विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कर रहे थे हम भाग 3, ठीक है। आज हमने करना है कौन सा मूल अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा मूल अधिकार है, जिसके अंदर हमने आर्टिकल कहां से कहां तक, 25 से लेके 28 तक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है सभी की, जैसे 25, 26, 27, 28 उनकी हेडिंग्स पता होनी चाहिए। जैसे बेरेक्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंताकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध मतलब बिना किसी बाधा, अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, क्या बोलता है। ऐसे ही आपका 26वां आर्टिकल जो है वो बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27वां बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट, यानी जब आप टैक्स देते हो तो उस समय छूट मिलती है, अगर आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो और आपके पास उसकी रसीद है, तो जब आप टैक्स दोगे तो वो रसीद दिखाकर आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, चार हेडिंग्स जो है, जो मतलब आर्टिकल की जो हेडिंग्स होती हैं वो याद करना है, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला आर्टिकल क्या, आर्टिकल 25 है, जो कि बोलता है क्या, अंताकरण की और धर्म को बाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 का खंड एक बोलता है प्रत्येक व्यक्ति को, खंड एक, आर्टिकल 25 में भी कई खंड है, तो आर्टिकल 25 खंड एक, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने यानी बिना किसी बाधा के मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ कंसाइंस से तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से है, व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके तहत वह अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है। अपने आराध्य के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। आपको पता ही है देश में अलग अलग धर्म है, क्या है, तो हम लोग अपने अपने आराध्य की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, और उसमें कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। कोई प्रभु राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में हमारे क्या होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, ठीक है, ग्राम देवता अलग होते हैं, है ना, जो ग्राम की रक्षा करने वाले होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, तो सब अपना अपना क्या कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जिसके तहत वह अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है। इतना समझ में आ गया। धर्म को मानने का मतलब क्या है, धर्म को मानने का मतलब है कि निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के खुलकर अपने आस्था एवं विश्वास की घोषणा करना, ठीक है। अगर मैं राम भक्त हूं तो मैं बोल सकता हूं आपको कि भाई मैं भगवान राम का क्या हूं, उपासक हूं। अगर मैं भगवान कृष्ण का उपासक हूं तो मैं बोल सकता हूं कि भगवान कृष्ण का उपासक। अगर मैं शैव हूं तो मैं बोल सकता हूं, कापालिक हूं, जो भी है, लिंगायत हूं, है ना, और ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं नास्तिक हूं, क्या हूं, नास्तिक, मैं मतलब मेरी आस्था नहीं, अभी नहीं आई है, हो सकता है आगे चलकर आ जाए। तो मैंने कहा अलग अलग जो ये आपको छूट दे रखी है कि बिना किसी बाधा के खुलकर आप अपनी आस्था में विश्वास की घोषणा कर सकते हो। तो इस देश में है अलग अलग आस्था को मानने वाले, अलग अलग आस्था रखने वाले लोग हैं, तो नास्तिक भी हैं, क्या है, नास्तिक भी, जो मानते ही नहीं है, ठीक है, नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं। धर्म के आचरण से क्या मतलब है, धर्म के आचरण से मतलब धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना, अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। भाई जैसे अब माना सनातन धर्म में हो आप, हिंदू धर्म में हो, तो यज्ञ भी होता है, यज्ञ कर सकते हो, ठीक है। आपको छठ पूजा है, छठ पूजा में गंगा जी में जाकर इतना जाकर क्या करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, तो रात भर रहते हैं यहाँ पर, ऐसे जा सकते हैं।
तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आचरण में क्या होगा, आचरण का अभिप्राय है अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना और अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना धर्म के प्रचार के अंतर्गत। फिर धर्म के प्रचार का मतलब क्या हुआ, धर्म के प्रचार के अंतर्गत अपने धार्मिक विचार को दूसरों के समक्ष प्रकट करना और उनको मानने के लिए समझाना बुझाना आता है, बाध्य करना नहीं आता है। क्या बाध्य करना नहीं आता है, किसी को लालच नहीं दे सकते, किसी को पैसे दे के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी को छल से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। सेवा भाव से कर सकते हो आप अपने धर्म के महत्ता को क्या कर सकते हो बता सकते हो। जितने भी कथावाचक हैं वो क्या करते हैं, अपने अपनी धार्मिक महत्ता बताते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के जो कथावाचक हैं वो अपनी कथा सुनाते हैं, जैन धर्म के अपनी कथा सुनाते हैं, मुस्लिम लोग अपनी कथा सुनाते हैं, है ना। सभी लोग अपना अपना क्या करते हैं। तो क्या है कि धर्म के प्रचार के अंतर्गत यानी प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के अंतर्गत अपने धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना और उसको मानने के लिए समझाना बुझाना आता है, ठीक है। किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश के वाद में धारित किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। क्या नहीं है, दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें भी खंड है, 25 का खंड एक पढ़ा हमने, 25 का खंड दो, आर्टिकल 25 का खंड एक तथा खंड दो राज्य को उस पर निर्बंधन लगाने की शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल दे दिया आपको कि अंतःकरण की, धर्म के अंतःकरण की और अबाध रूप से मानने आचरण करने प्रचार करने की स्वतंत्रता, इस पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगेंगे। आर्टिकल 25(1) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, भाई आपके प्रचार करने से और आपके क्या करने से, कोई ऐसा कार्य करने से जो आप धार्मिक कार्य कर रहे हो उससे अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है तो आप पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। सदाचार, मॉरलिटी, यानी मॉरल वैल्यूज का भी ध्यान रखना है, मॉरलिटी के आधार पर आप पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। स्वास्थ्य, हेल्थ के आधार पर आप पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। ये थोड़ा कि यार आप बोलोगे कि जी हमारे यहाँ नरबलि होती है, हम तो नरबलि देंगे आज त्रिवेणी घाट में जाके, आज क्या है सबसे हट्टा कट्टा व्यक्ति कौन है उसकी आज हम क्या करेंगे बलि देंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, ये काम तो नहीं होगा, ठीक है। आपको धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं जैसे नरकपाल के साथ नृत्य करना मना है। नरकपाल के साथ क्या, आपके नरकपाल के साथ नृत्य करने से क्या होता है कि बच्चे और जो महिलाएं हैं वो क्या होती हैं, डरती हैं, जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको क्या होता है अटैक पड़ सकता है, तो भाई मना है। ये थोड़े कि आपने कहा जी आज जागरण होगा और आप अपोलो हॉस्पिटल के बगल में क्या कर रहे हो, जागरण कर रहे हो, या आप वहां पर एक बड़ा जुलूस लेके जा रहे हो, तो यार 10% तो वैसे ही मर जाएंगे हार्ट वाले। किसी अस्पताल के बगल में या कहीं पर प्रतियोगी परीक्षा चल रही है, आपने कहा नहीं जी आज तो हमें तो क्या है आर्टिकल 25 प्राप्त है, हम तो आज क्या करेंगे बवाल करेंगे, कि क्या करेंगे, नहीं कर सकते भाई, युक्तियुक्त निर्बंधन लगेंगे, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, और किसके आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये आरोपित निर्बंधन पर अपने निर्णय द्वारा प्रकाश डाला है, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कैसे कैसे निर्बंधन लगेंगे। हनीफ मोहम्मद कुरैशी का मामला आया कहां, सुप्रीम कोर्ट में, बोला गया गौवध, काउ स्लॉटर, क्या गौवध को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा बकरीद के अवसर पर नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बकरीद है ठीक है लेकिन आप गाय नहीं काट सकते। हनीफ मोहम्मद कुरैशी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अतः लोक व्यवस्था के संदर्भ में इसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है। वैसे भी भारत में आपको पता है कि गाय को क्या माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, तो उसको आप स्लॉटर नहीं कर सकते, ठीक है, बकरीद के अवसर पर। अगला, मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य या घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस को सदाचार एवं लोक व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंधित किया गया है। आप घातक हथियारों के साथ, आप खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य नहीं कर सकते, आप घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाल सकते,
ठीक है, इसे क्या माना गया, सदाचार और लोक व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंधित किया जा सकता है। आचार्य जगदीशोरानंद का मामला गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में 1983 का मामला है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का मामला गया उच्चतम न्यायालय में। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने वाला राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है और उससे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता है। आपको पता है पंचायत अगर प्रधान का इलेक्शन लड़ना है 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर आपके दूसरी बार में जुड़वा बच्चे हैं तो उनको 2 ही गिना जाता है, ऐसा हो सकता है। वैसे तो संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, लेकिन क्या है कि दूसरी बार में क्या है, ट्विन हो गए, और कभी कभी तिड़वा भी हो, तिड़वा बोलते हैं क्या बोलते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, उनको भी क्या माना जाएगा भाई, 2 ही माना जाएगा, हो तो 4 गए, है ना, ठीक है। तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आ गया, प्रसन्न हो गए आप लोग। चलो, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का मामला, ठीक है, सबरीमाला मंदिर मामला बोलते हैं इसको, सबरीमाला मंदिर मामला, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का मामला गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया भाई, कहा कि केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। क्या है, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर मतलब प्रतिबंध था, महिलाएं नहीं जा सकती थी वहां पर, ठीक है, वो असंवैधानिक बताया। क्या बताया, असंवैधानिक बताया। यह प्रथा संविधान द्वारा आर्टिकल 14, 15, 19(1) और 25 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया इनको, किसका, 14, 15, 19 और 19 (1) और 25 का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। अतः शीर्ष अदालत ने मंदिर में सभी आयु की महिलाओं को प्रवेश कर पूजा करने की अनुमति प्रदान की, सबरीमाला मंदिर में। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आर्टिकल 25(2) के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्नलिखित के संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है, संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली विधि। इसको ध्यान से कर लेना, या यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि आर्टिकल 25 में जो अभी तक हमने पढ़ा वो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आर्टिकल 25(2) धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी, धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य, अब राज्य को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राज्य किसको बोल रहे हैं हम, है ना, संसद और भारत सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, तो राज्य निम्नलिखित के संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है, लॉ का निर्माण कर सकता है। 1, धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी, अब इसको ध्यान रखना आपने, आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन रेगुलेशन या निर्बंधन करने वाली, या ख में लिखा सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली, क्या करने वाली, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली, या हिंदुओं के धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली, इसके संबंध में विधि बना सकता है। यहां पर हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं। क्या आते हैं, गौ में जो बोला ना, हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली, समझ में आ गया, ठीक है जी। हिंदू, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, अगर आप, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा आर्टिकल 25(2) में हिंदू से क्या अभिप्रेत है, क्या, तो हिंदू से अभिप्रेत है भाई बौद्ध, हिंदू तो है ही, बौद्ध, जैन और सिख भी है, क्योंकि ये सारे धर्म जो है, पंथ जो है, वो किस, कहां से निकले हैं, हिंदू धर्म से निकले हैं, ठीक है, तो इसलिए हिंदू का शब्द क्या लगाते हैं यहां पे, बौद्ध, जैन और सिख। ख में आपने पढ़ा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए बंद करने वाली, भाई सामाजिक कल्याण और सुधार, 3 तलाक बैन कर दिया सरकार ने, क्यों किया, सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है, धर्म में प्रथा थी, 3 तलाक की प्रथा थी, कई देशों ने प्रतिबंधित किया, इस देश ने भी प्रतिबंधित कर दिया,
क्यों किया? क्योंकि लास्ट में जो शोषण होता है किसका होता है? महिलाओं का। लास्ट में शोषण जो होता है किसका होता है? बच्चों का। ठीक है, जब पिता का साया हट गया बच्चों के उससे, और जब जो महिला जो है वो माना अशिक्षित है, माना उसको कोई रोजगार नहीं है, और उसके चार बच्चे हैं और उसको तलाक दे दिया गया है, तो फिर क्या होता है? फिर दिक्कत होती है। कौन हो, किसको दिक्कत हो रही है? है ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, गुड़ बनाते हैं उसमें वो, फिर वो दूसरा विवाह करते हैं, है ना, नूतन है उसमें पुरानी जो नायिका है, और उसमें वो भी हैं जो जिन्होंने कैकई की भूमिका अदा की थी, है ना, दशरथ की पत्नी, राजा दशरथ की पत्नी कैकई की भूमिका अदा करने वाली अदाकारा जो थी, वो भी थे उसमें। तो इसके, इन फिल्मों के माध्यम से बताया गया कि क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर? महिलाओं पर। तो ठीक है, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए बंद करने वाली प्रथा के संबंध में भी क्या कर सकता है? राज्य कानून बना सकता है। मैंने साथ में बता दिया, हिंदुओं की धार्मिक परंपरा उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी क्वेश्चन बनता है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग है। क्या है? बाकी कोई भी शस्त्रों के साथ नहीं चल सकता इस देश में, लेकिन सिख चल सकते हैं क्योंकि उनके धर्म का अंग है। क्या पंचमकार बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पंचकंकार, है ना, केश, कड़ा, कच्छ, कृपाण और कंघा, है ना, ये पांच चीजें लेकर चलनी होती हैं, तो वो अनिवार्य अंग है। इसलिए कौन देता है? आर्टिकल 25 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 25 में स्पष्टीकरण दे दिया गया साफ साफ। समझ में आ गया भाई? तो स्पष्टीकरण एक बोलता है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग है। वैसे भी कृपाण दूसरे की रक्षा के लिए निकाली जाती है, सिख धर्म में अपनी रक्षा के लिए नहीं निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? और जो सिखनी होंगी, मतलब जो है ना, उनको उनको भी कृपाण धारण करने का क्या है? अधिकार है। समझ में आया? और वो पग रखते हैं, पग समझते हो? जरूरी नहीं है कि मतलब हम किसी सिख महिला को ये नहीं बोल सकते कि हेलमेट पहनो, उन्होंने पग पहन रखी है, ट्रैफिक रूल्स वहां पर नहीं लगते हैं उन पर। क्या नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं। ठीक है, चलो जी, अब आर्टिकल 26 में आते हैं भाई, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है भाई, ये भी ध्यान रखना, किसको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को दी गई है, व्यक्तियों को नहीं दी गई है। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है, समूह होता है, क्या होता है? समूह होता है, जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है, जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है, जैसे रामकृष्ण मिशन, जैसे रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? नंबर एक, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का, चैरिटेबल बोलते हैं। जैसे आपके ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, क्या है? डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी ने इनकी स्थापना की थी डिवाइन लाइफ सोसाइटी की, तो चैरिटेबल है, चैरिटी आती है, उससे गरीब और जो कमजोर लोग होते हैं उनका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, उनकी शिक्षा पर खर्च किया जाता है, बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। समझ में आया? जो खतरनाक बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं उनको इलाज कराया जाता है उनके द्वारा। तो धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, यानी धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए आप किसी संस्था की स्थापना कर सकते हो और उसका पोषण कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति नहीं, धार्मिक संस्थाएं। नंबर दो, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, अपने धर्म धर्म क्या विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। भाई निर्मल आश्रम है, हॉस्पिटल चलते हैं, आई हॉस्पिटल अलग चलता है, नीचे हॉस्पिटल अलग चलता है, स्कूल अलग चलते हैं, है ना, कई जगहों पर क्या करते हैं, भंडारे चलते हैं, जहां पर भी दिक्कतें आती है वहां पर भोजन वितरित करते हैं वो लोग। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं, साथ में चैरिटी भी आती ही होगी, बिना चैरिटी की तो चलती नहीं संस्था है, पीछे से दान आता है, उस दान को क्या करते हैं, लगाते हैं सही जगह पर। इतना समझ में आया? ठीक है, जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, दो तरह की होती है प्रॉपर्टी, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है। जैसे हम बोलते हैं जोगी जंगम, जोगी वही है जो एक स्थान पर ना टिके,
इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, जंगम, क्या बोला जाता है, इमूवेबल, सॉरी मूवेबल, मतलब मूवमेंट करनी है। आज यहाँ कुंभ नहाए, कल वहां कुंभ नहाए, चार जगह पर कुंभ हो रहे हैं, कभी राम मंदिर का क्या हो रहा है, उन्हीं को बोला गया है सन्यासी। ये नहीं कि आपने क्या कर दिया, एक जगह पर डेरा डाल दिया तो फिर मोह माया हो जाती है, ठीक है। तो जंगम और स्थावर, स्थावर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अर्जन और स्वामित्व का, उनका अर्जन भी कर सकते हो, स्वामित्व भी होता है, ठीक है। चौथा बोला गया जंगम या स्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का, प्रशासन कर सकते हैं लेकिन विधि के अनुसार, प्रशासन चला सकते हैं लेकिन, किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। किन किन आधारों पर? लोक व्यवस्था भाई, क्या सदाचार और स्वास्थ्य। अगर आपके ये सब करने से लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, अगर आपके ये सब करने से सदाचार बिगड़ रहा है, अगर आपके सब करने से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है लोगों का, तो आप पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, आर्टिकल 26। तो भाई युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर याद रखना, किनके आधार, किन किन आधारों पर लगाए जाते हैं। आगे, यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। किसको? यह कोई, यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यह संसद के क्या अधिनियम द्वारा स्थापित की गई संस्था है। AMU बोलते हैं इसको, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चर्चाओं में रहता है, कई बार सुना होगा आपने, ठीक है। तो यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्तियों द्वारा अगर क्या किया गया है, व्यक्तियों द्वारा अगर कोई धार्मिक संस्था स्थापित की गई है, उनको यह सब अधिकार प्राप्त है। क्लियर हो गया? व्यक्ति को भी नहीं है, व्यक्तियों को भी नहीं है, व्यक्तियों द्वारा जो धार्मिक संप्रदाय बनाया गया उनको है ये, ठीक है। अब भाई आर्टिकल 27, ये बड़ा, बहुत बड़ा जरिया रहा पहले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करने का, आर्टिकल 27। तो ये क्या बोलता है कि यदि आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या करते हो, अभिवृद्धि करते हो, तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने से, कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय का एक, आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है तो उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जितना वो खर्च कर रहा, छूट मिलेगी उसको। भंडारा करा दिया आपने, रसीद ले ली वहां से, आपने भंडारे में क्या कर दिया, 10,000 रुपए खर्च कर दिए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए। जब आप टैक्स देंगे तब आप दिखाएंगे रसीद, ये 1,00,000 रुपए जी मैंने भंडारा कराया था, रामलला का क्या था, अरे प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन अयोध्या में, 22 तारीख, इस डेट को मत भूलना भाई, पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2024, ये क्वेश्चन बनना है और 100% बनना है, इसलिए याद करके रखना, ठीक है। तो जब आप टैक्स दोगे तो उसमें छूट मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो सरकार नहीं बना रही है, सभी से क्या लिया गया है, इकट्ठा किया गया चंदा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर किसी व्यक्ति ने, हो सकता है 11 रुपए दिए हों, तो किसी व्यक्ति ने 250 करोड़ भी दिए होंगे, क्या दिए होंगे, तो सब लोग अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उस मंदिर को दान कर रहे हैं, उस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी लौकिक एवं धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा तो बोला गया है, लेकिन सभी धर्मों के लिए अगर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है राज्य, तो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा भाई। किसका उल्लंघन? अब कुंभ लग रहा है, राज्य का ही तो पैसा खर्च होता है, बहुत सारे शौचालय निर्माण करने पड़ते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, लाइट लगानी पड़ती है ना,
तो क्या है, ऐसे ही जब हज यात्री जाते हैं तो सब्सिडी दी जाती है, ऐसे अनेक जो कार्यक्रम होते हैं, मां मस्तक का अभिषेक होता है कर्नाटक में, स्वर्ण बेलगोला में, पूरी सरकार का क्या होता है, एसेट्स लगते हैं भाई, पैसा लगता है उसमें व्यवस्था करने में, तो बिना किसी भेदभाव के क्या करते हैं, खर्च किया जा सकता है और खर्च कर रहा है तो इसे आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आ गया। सुरेश चंद्र बनाम भारत संघ का मामला आया 1975 में, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भगवान महावीर के 2500वें मतलब 2500 वर्ष हो गए थे, परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इससे जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है भाई। लेकिन बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में जो ये भंडारे लगते हैं, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था कर रही है, तो इसको आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही आर्टिकल 27 कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। अब कर और शुल्क में अंतर क्या होता है, कर बिना किसी सेवा के लिया जाता है, क्या लिया जाता है, सरकार कोई सेवा नहीं दे रही है पर इनकम टैक्स लगा रही है आप पर, क्या कर रही है, आपने अपनी कमाई से दुकान खरीदी, अपनी कमाई से आपने क्या, अपने पैसे से आपने सामान रखा, जहां आपकी बिक्री एक लिमिट को पार करेगी आप पर इनकम टैक्स लगेगा। तो बिना किसी, जब सेवा नहीं देती सरकार तब टैक्स लगाती है, लेकिन जब सेवाएं देती है तब आप पर क्या लगाती है, शुल्क लगाती है। भाई आपकी गाड़ी खड़ी करने के लिए सरकार ने क्या बनाया, पार्किंग बनाई, क्या लेगी, शुल्क लेगी, ठीक है। कर बिना सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली है, जबकि शुल्क सेवा के बदले राज्य द्वारा वसूला जाने वाला धन है। अतः यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए धार्मिक संप्रदाय के लोगों को शुल्क वसूल सकता है, शुल्क क्या कर सकता है, वसूल सकता है। अगला आर्टिकल 28 जिसमें कहा गया है कि भाई क्या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का, शिक्षण संस्थाओं की, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी करते हैं। तो आर्टिकल 28(1) कहता है राज्य निधि से पूर्णता पोषित, राज्य निधि से पूर्णता पोषित, यानी जहां पर राज्य का पैसा लगा हो, जैसे सरकारी स्कूल, जैसे बिल्डिंग सरकार की, स्कूल सरकार की, शिक्षक सरकार के, वेतन सरकार का, तो राज्य निधि से पूर्णता पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है, क्या करता है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते सरकारी स्कूलों में। प्रेयर होती है लेकिन किस प्रकार की होती है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तेरी जाति पाति पुराण में, तेरा सरस भेद कुरान में, सब नाम लेते हैं आगे। तो राज्य निधि से पूर्णता पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध किया गया है भाई। आर्टिकल 28(2) इसका अपवाद है। आर्टिकल 28(2) क्या है, इसका अपवाद है, यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना धर्मस्व, धर्मस्व बोलते हैं किसको, एंडोमेंट या न्यास, ट्रस्ट, आपने सुने होंगे जितने संस्कृत विद्यालय होते हैं वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करते हैं, किसके अधीन कार्य करते हैं, ट्रस्ट के अधीन कार्य करते हैं या एंडोमेंट के अधीन, धर्मस्व के अधीन कार्य करते हैं। इसमें बोला गया कि यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना धर्मस्व या न्यास, एंडोमेंट या ट्रस्ट के अधीन हुई है, तो जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना क्या है, आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृत विद्यालय है, पढ़ाए जा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जा सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 28(3) इसमें प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28(3) बोल रहा है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था जहां पर की कोई क्या हो रही है, कोई धार्मिक उपासना हो रही है, अगर बच्चा छोटा है उसके माता पिता से पूछा जाएगा, और अगर बच्चा बड़ा है, बालिग है, उससे पूछे बिना आप उसको बाध्य नहीं कर सकते क्या धार्मिक उपासना में या धार्मिक उसमें क्या उपस्थित होने के लिए। समझ में आ गया।
किंतु यदि व्यक्ति उस व्यक्ति ने या यदि उसके अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसकी सहमति दे दी है तो उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है। भाई मम्मी पापा ने बोल दिया, ठीक है भाई कृष्ण जन्माष्टमी है, माना मैं बोल रहा हूँ कृष्ण जन्माष्टमी है और ये कि मधुवन आश्रम में कृष्ण बना के ले जाना है, एक सबसे सुंदर बच्चा जो है वो क्या है किसी दूसरे धर्म को मानने वाला है, धर्म विशेष को मानने वाला है, उसके माता पिता ने अनुमति दे दी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मना कर दिया तो तब नहीं कर सकते। समझ में आ गया? या किसी भी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी भी वयस्क व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये थे आपके क्या भाई, चौथा मूल अधिकार। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पांचवा मूल अधिकार, इससे संबंधित प्रश्न में लास्ट में जब मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे तब मैं पेपर बना के दूंगा, वो पेपर आपने क्या करना 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।